स्टूडेंट्स अज असी पढ़ांगे कि जेकर साडे कोल एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस होवे जेकर सिस्टम ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम च है तां असीं अननोन फोर्सेस किवें फाइंड करदे हां। सपोज साडे कोल एक स्ट्रिंग है ABCD विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स A and D। इट कैरीज वेट ऑफ 30 kg एंड WKG। हेयर WKG इज अननोन वेट एट टू पॉइंट्स B and C ऑन इट। द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल ऑफ AB इज 30 एंड दैट ऑफ CD इज 60। द एंगल BCD इज 120। वी हैव टू फाइंड W एंड द टेंशन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग। देखो साडे कोल साडा सिस्टम जिहड़ा है वो इक्विलिब्रियम च है। This means net force acting on the resultant of all the forces must be equal to zero. हुण साडे कोल दो वेट ने, एक वेट 30 kg जो B पॉइंट ते एक्ट कर रहा है। सपोज ABCD साडी एक स्ट्रिंग है, A ते D पॉइंट इस नूं फिक्स किया होया। दो वेट 30 kg है ते WKG B पॉइंट अते C पॉइंट ते सस्पेंडड ने। हुण क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम च है, साडे कोल जिहड़ा है डिफरेंट फोर्सेस उन्हां दा रिजल्टेंट जीरो होएगा। लेट अस टेक फर्स्ट पॉइंट बी। बी पॉइंट साडे कोल तीन फोर्स एक्ट कर रहे ने, 30 kg डाउनवर्ड, टेंशन T1 अलोंग स्ट्रिंग पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग AB, टेंशन T2 अलोंग स्ट्रिंग BC। एट दिस पॉइंट अप्लाइंग लेमिस थ्योरम, क्योंकि दिस वेट इज इन इक्विलिब्रियम, देन अकॉर्डिंग टू क्योंकि तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग तीन फोर्स एको ही पॉइंट ते एक्ट करते हो तो इक्विलिब्रियम च कदों होंगे, इफ दे सैटिस्फाई लेमिस थ्योरम। देन अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम T1 अपॉन विल बी इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू 120 विच इज गिवन। ए 120 है तो ए वाला एंगल की होएगा, क्योंकि टोटल एंगल स्ट्रेट एंगल है 180 होएगा। दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 degrees, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 degrees। देन बाय लेमिस थ्योरम T1 अपॉन साइन 60, T2 अपॉन दिस एंगल, ए 30 है तो ए कितना होएगा 150। T2 अपॉन साइन 150 30, थर्ड फोर्स अपॉन सॉरी 30 अपॉन थर्ड एंगल अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, दिस टोटल एंगल इज इक्वल टू 30 + 120 इक्वल टू 150। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 150 की वैल्यू होएगी 1/2। साइन 150 1/2 है। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट वी गेट T1 इज इक्वल टू 30√3 kg एंड T2 फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड T2 कम्स आउट टू बी 30 kg। सिमिलरली ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट C आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम। सी पॉइंट ते भी तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, WKG वर्टिकल डाउनवर्ड, T3 अलोंग CD एंड T2 अलोंग BC। हुण देखो BC दे अलोंग भी T2 सी ते CB दे अलोंग भी T2 है, क्योंकि ये साडी जिहड़ी पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग है इस दे दोने पासे इक्वल ते आपोजिट टेंशन लगेगी, क्योंकि दोनों पॉइंट जिहड़े फोर्सेस ने B अते C ते इक्विलिब्रियम विच हन, क्योंकि ये इक्को ही पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग है BC, इस करके इस दे विच जिहड़ी टेंशन होएगी इक्वल ते आपोजिट होएगी T2 लवांगे सी।
साढ़े को तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं पॉइंट सी के उपर, तीनों इक्विलिब्रियम ने। तो लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग टी थ्री अपॉन एंगल ऑफ दिस साइन ऑफ एंगल ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस इज 60 एंड दिस विल बी इक्वल टू 120। टी टू अपॉन साइन 120, ये एंगल साढ़े को 120 है। टी टू अपॉन साइन 120, डबल्यू अपॉन दिस टोटल एंगल इज इक्वल टू 120। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टी टू इज इक्वल टू डब्ल्यू के जी एंड टी थ्री इज इक्वल डब्ल्यू के जी। फ्रॉम सेकेंड एंड लास्ट टी टू इज इक्वल टू डब्ल्यू के जी, यानी कि दोनों टेंशन टी टू टी थ्री दोनों इक्वल होंगे, इक्वल टू डब्ल्यू के जी होंगे। सपोज साढ़े को एक होर एग्जाम्पल है, एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी, दो फिक्सड पॉइंट ए ते डी दे उपर अटैचड है, इक्वल वेट्स 30 के जी ईच 30 के जी नोटड एट पॉइंट बी एंड सी, ठीक है, एंड आर रेस्ट विद द पोर्शंस ए बी एंड सी डी एट एंगल ऑफ 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली द वर्टिकल। ए बी पोर्शन मेक्स 30 विद वर्टिकल एंड दूसरा जो सी डी पोर्शन है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम च है सिस्टम। पहला असी पॉइंट बी की गल कर रहे हैं, सपोज जो बी सी पोर्शन है स्ट्रिंग का, बी सी पोर्शन है वो वर्टिकल नाल थीटा एंगल बनाता है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम च है तो बी पॉइंट से तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तीन फोर्स सिस्टम तीन फोर्स इक्विलिब्रियम च ने, तो लैमिस थ्योरम सैटिस्फाई होएगी। तो पॉइंट बी ते भी तीन फोर्स लग रहे हैं, किहड़े किहड़े पॉइंट बी, पहला देखो पॉइंट बी से देखो टी वन अलोंग बी ए टेंशन इन द स्ट्रिंग, बी सी जी टेंशन बी सी स्ट्रिंग है इस दे अलोंग टेंशन होएगी टी टू, तो 30 डिग्री 30 के जी जो वेट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड होएगा। तो पॉइंट बी के उपर तीन फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम च ने, क्योंकि असी किसी पॉइंट के उपर तीन फोर्स एक्ट करते हुए इक्विलिब्रियम च होन तो असी लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। दैन अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम टी वन अपॉन दिस एंगल एंगल बिटवीन अदर टू, ये हैगा साइन 30 थीटा, असी इसमें थीटा डिग्री लैके चल रहे हैं। टी टू अपॉन ए 30 है तो यह एंगल कितना होएगा 150, ये होएगा 150 क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है 180 है, 180 30 माइनस करो 150। 30 डिग्री अपॉन दिस एंगल, ये एंगल कितना होएगा, ये साढ़ा 180 है, 180 दे विच्चों असी एक तो थीटा माइनस करना है तो 30 ऐड करना है, 180 माइनस थीटा ये तो माइनस करना है, तो आ वाला एंगल ऐड करना है 30 डिग्री, यानी कि इसनों लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा माइनस 30, थीटा माइनस 30, तो साइन 180 थीटा माइनस 30 विल बी इक्वल टू साइन थीटा माइनस 30। हुण असी सी पॉइंट की गल करिए, सी पॉइंट से भी तीन फोर सैट कर रहे हैं टी टू टी थ्री एंड 30 के जी, ये भी तीनों इक्विलिब्रियम च ने। तो लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग टी टू अपॉन ये एंगल होएगा 120, टी टू अपॉन साइन 120, टी थ्री अपॉन क्योंकि थीटा है तो क्योंकि दोनों ये पैरल ने, तो यह होएगा 180 माइनस थीटा, टी थ्री अपॉन आएगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो 30 के जी थर्ड फोर्स अपॉन आएगा थीटा प्लस 60, थीटा प्लस 60।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ T1 T2 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਸਾਈਨ 30 ਦੀ ਫਰੋਮ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ T2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ 30 ਇੰਟੂ ਹਾਫ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 30 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15 ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 30। ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ T2 ਆ ਜਾਏਗਾ, T2 ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਸਟ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੋਸ ਤਾਂ T2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 30 ਸਾਈਨ 120 ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ 60 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ। ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਈਨ 60 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1√3 ਸਾਈਨ 30 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 30। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਾਈਨ ਏ ਕੋਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਏ ਸਾਈਨ ਬੀ, ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਈਏ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਆਫਟਰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੈਟ ਦੈਟ ਆਫਟਰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 1√3 ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1√3 ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਥੀਟਾ ਕਮਜ਼ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 60। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ 60 ਤਾਂ ਫਸਟ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ T1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ T2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 60 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ T2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ 15 ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 30। ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 60 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ T2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ T3 ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਮੀਟਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ A ਅਤੇ B, ਇਹ ਸੇਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਨ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਰਿੰਗ ਜਿਸਦਾ ਵੇਟ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਫੋਰਸ ਹੂਜ਼ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F। ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕਲੀਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰਿੰਗ ਹੈ C ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਬਿਲੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਰਟੀਕਲੀ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ B ਤਾਂ ਅਸੀਂ F ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 kg ਦੀ, ਉਹ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਇਨ ਦਾ ਔਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਇਸ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ T ਅਤੇ 4 kg ਸੋਰੀ 4 ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ F ਹੈ ਉਹ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਬੀ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਏ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੈ X ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ 2 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪੋਰਸ਼ਨ BC ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 2 - X। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ AC ਸਕੁਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AB ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ BC ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਸਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 5/4 ਠੀਕ ਹੈ 5/4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BC ਹੈ ਸੋਰੀ AC ਹੈ ਉਹ 5/4 ਹੈ ਅਤੇ BC ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 2 - 5/4 ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3/4 ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 5/4 ਹੈ 5/4, ਇਹ BC ਹੋਏਗੀ 3/4।
इतों असी यह वेख है असी एंगल थीटा कर सकते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी होएगा विच विल बी इक्वल टू 4/5 तो कॉस थीटा 3/5 होएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है साडा इक्विलिब्रियम दे विच चार फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस बॉडी के उपर ठीक है दो पोर्शनस ऑफ स्ट्रिंग के उपर अलोंग लग रहे हैं टी टी टेंशन दोनों के एक हॉरिजेंटल फोर्स है एफ तो एक वर्टिकल डाउनवर्ड है इसका वेट 4 kg क्योंकि ये साढ़े को चार फोर्स ने असी लैमिज थ्योरम ही लगा सकते क्योंकि लैमिज थ्योरम सिर्फ उदों लगेगी जो तीन फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम तो असी की करांगे इस दे इक्विलिब्रियम दे लई असी की करांगे असी इन्हां सारे फोर्सेस दे रिजॉल्व पार्ट्स लवांगे असी सारे फोर्सेस नूं रिजॉल्व करदे हाँ अलोंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन दैन साडे कोल की है हॉरिजेंटल दे विच साडे कोल राइट साइड वल नूं है फोर्स एफ ते लैफ्ट वाले पासे साडे कोल इस दा कंपोनेंट होएगा टी दा दैट विल बी इक्वल टू टी कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज टी साइन थीटा इस टेंशन दा एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होएगा इस दे अलोंग वर्टिकल अपवर्ड ये होएगा टी साइन 90 माइनस थीटा विच विल बी इक्वल टू टी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट होएगा इसका टी कॉस साइन थीटा लैफ्ट साइड पर पासे वर्टिकल अपवर्ड होएगा टी कॉस थीटा इहदा मतलब यह होया कि एफ नू बैलेंस कौन करेगा विच इज अलोंग द राइट साइड इस नू बैलेंस करेगा टी साइन थीटा तो अपवर्ड जो दो फोर्स लग रहे हैं एक तो टी लग रहा एक टी कॉस थीटा लग रहा उन्हें बैलेंस करेगा 4 kg तो एफ विल बी इक्वल टू टी साइन थीटा दिस मीनस एफ माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 पुट करने तो बाद एफ की वैल्यू 4/5 टी आएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन के अपवर्ड दो फोर्स ने एक तो टी है एक टी कॉस थीटा है दोहां दा सम विल बी इक्वल टू 4 दैट इज टी प्लस टी कॉस थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इत्थे साडे कोल टी दी वैल्यू आ गई 5/2 असी कॉस थीटा दी वैल्यू पुट करदे हां टी इज इक्वल टू 5/2 की जी आएगी इस टी दी वैल्यू असी इस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 च पुट करिए तो एफ जिहड़ा है साडे कोल 2 kg आएगा थैंक यू स्टूडेंट्स